जैसे एगो गांव में लखड़ाओ और जाम मधान न होके वहां के लोग अरजाम लखड़ा मधान करबे न करे वो गांव के समाचार बिगड़ रही रहले वो गांव में न होके लखड़ा अरजाम मधान धार्मिक काम होबे न करे आ मठ मंदिर बन रहे तो ओमे साधु बैठबे न करे वहां के पब्लिक के लोग के साथ बैठकी पंचायत भेल पंचायत जब बैठल तो भेल कि न सब गांव में लकड़ा अरजाम हुआले सब गांव में बम आवाले सब गांव में मेला लागले आज अपन अपन कैसन गांव बा कि ये गांव में न कहियो बम लोग आयल न डाक बम आयल न कांवर डोलल न लकड़ा भेल न अरजाम भेल न मधान भेल ये सब गलत बात बा होय के चाही वहां के पंचायत में भेल कि न गांव में लखड़ाव और जाम मधान होय के चाही भेल के ठीक बा तैया ठजाम लखड़ाव कवर कराई तब भेल कि न फाला महाजन के धनिक मनिक लोग बा वही दिन से शुरू होतो बहुत दिन पर एगो ओकरा बेटा जन्म भेल बा ओकरे लग से लखड़ाव और जाम शुरू होतो तक सही बात बा मांगला पर कितना साधु संत कितना पूजा लगा धाम घूमला से हमारा बेटा भेल बा हमरे लंग से हो लेकिन हम अकेले अरजाम के ढेबला नती रह फिर काम करवा दे कल्लो का तो पैसा न लगाए तो अरजाम हो के लगा महाजन कहला कि हमरे दुरा पर अरजाम हो आ गांव भर के लोग चांदा उठा के मंडली के समझो बातचीत हो गया अरजान के दिन उतर गए आओ में कसैली पटाए लगल ब्यास के तो में रंग बिरंग के ब्यास पहुंच रहे आ अरजान भी रहे कमाला बड़ा शांति से 3 लाख रुपया उठल खाली एगो अरजान करावे में तेल बनाए चांदनी बनाए गांव भर झंडा हनुमान जी के झंडा शंकर भगवान के बड़ा बढ़िया अरजान के दिन उतर गए सब लोग शांति से चाल दाल उठा के समझ गए अरजान के दिन उठा जब उठल बनल तलागर कसैली बटाए तब जब कसैली बटाए तो वो में 4 रंग के प्यास लोग पहुंचल एगो अठबदिया खटे वाला अलग आ एगो भोरवा में खटे वाला अलग आए जो बरबदिया मंडली अलग अब 3 किस्म के मंडली रहे पहुंचल अब रगो लोगन के आहा सब के जानकारी ना हो कि मंडली 3 किस्म के कैसे हो पले जवान अठबदिया मंडली हो सापा अगाड़िए दू गोड़ा साइकिल से आइए जाए तक हाँ दीपी अमर दिन तक सवेरे हमारा खेत में काम करेगा बाद रात में खत्म न रह चल जाए आ परवरिया वाला के टेंशन आ रहा है हेलो आ जवान भोरवा में के मंडली रहले ओ डेट स्क्वायर 5 गो बूढ़ा बा घरे बेटा को तुम लोग दिया वाले तार जा में राम राम कहे तब बूढ़वा मंडली भोरवा में खटले कसैली दिया गई समय आ गेल अरजान के एहबेर से स्टार्ट बा आ बिना काटे कसैली के 5 गो साधु पहुंच गए लहर जग रहे आओ में पंचायत में कह रहे कि जग बिगड़ता हूं तो समझ ये पूरा दंड तिरे के हो आ 5 गो साधु बिना दिमाग वाला अल्टरा है साधु मठ में के ना घूमे वाला लभर लमर तिरछुर लभर लमर कमंडल सब तक कोयले साफ डाल कोले चाटा सोले कोयल भैंसी के हर कवर चला आया के आप पंडाल लग तीन छुल गार दे दे भोले बाबा से 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 वहां के सब लोग अंचका गए भवा और भी अपना गांव में आके जाम भेलौ पैसन जग कोनो गांव में न भेलत माता जी को कौन कर
आम का जो अपन गांव सुधर गए, सांप अलगे से अलगे साधु सब चीज आए हैं। शेर शेर तारा वो मेरे को बाबा कहे श्री राम जय राम। ओकरा से सेकंड हैंड साधु रहे जो कहे जय जय राम। आओ सब साधु आही बा घरे से उ पेटे पोसे आही बा। आज्ञान शुरू हो गल बरवाजिया hari yo ma la the sa घर चूली निवारण आने दे आगे कि सब गांव भर के लड़का सब यानी एक बेर सरिया पर भोज खाए बैठे के बाद आई पांचू साधु अलगे वो तिरपाल चढ़वा के वही में बैठे बड़ा बढ़िया जो घुट रहे तई दस आठ बजे वो मंडली फट गए आ चार बजे भोर वाला मंडली लग गए बूढ़ वाला। हाँ हाँ तोर जल्दी 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 हमें पांच गो बुढ़वा में जो बुढ़ा कह दे हरानी हो गल बच्चू न कट जाहि तू हे हमरा से न होतो तो अपने के अलगे रह ले बुढ़वा मंडली जहां चर मेकर से बाबा साहब पहुंचे अलगे भूस हो ली ले वही तो खत्म न तो बिहार ने के बे खाही के गे अलगे अब बुढ़वा मंडली आज तब थरथराए करे तो कोने पर बिछा के बगो हो जाए कोने पर बिछा देला बुढ़ो मंडली का बैठ हरियो मा राजसाम सीताराम बुढ़ो बुढ़ा नहीं है धुन मत तू तुम भी तो दोसा वाला जाके हम हरियो सब धुन तूर देला केकरा दिन पार जाम होता कैसे धुन तूर देला तू बुढ़वा कह दो तो बता तो हमने के नहीं के काहे ला पिसिया जा दिन में से जा और का हरियो मा राधे सांबा गौरी शंकर सीताराम। अब ओकरा के निकाल के 200 मंडली पैसा दे तब ले ने आनिया पीजो हो गेल सब गांव के लोग बैठ गेल खाए तो हाय बाबा पांचू अपने में राखे हम लोग का निमंत्रण नहीं है का हम लोग अपने से आ गए हम लोग को पाने के लिए कोई बचवा नहीं बोल रहा है। तो मैंने कहा कि रे बाबा बाबा जी चले एक बेर पाए वीडियो हो गए आप पांचों साधु बैठ के पीछे में आ जो गए अब तो एक ही आधा घंटे में उन जो समाप्त हो जाए आप पांचों साधु बैठ के पीछे में पाका चल गेल लीला चल गेल और पांचू बाबा टेम्पोरिया है बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग कैसे बैठेंगे चट्टी का बोरा ले आओ पूरा ले आओ व्यवस्था करो बोरा और बिछा दे यार गेल पांचू बाबा बैठ गेल तिरछुल हला आ भात को तो चल गेल दाल चल गेल तई गोड़ा बड़ा बनिया भांटा के तरकारी चलवत रहे ए बोलिया भांटा के तरकारी भांटा के तरकारी ए बोलिया भांटा के तरकारी भांटा के तरकारी। अब जब हम बीवी आवा बाबा ने तीन छुल ले के ओकरा पर छूट गए हम तो भांटा के तरकारी खाने वाला बाबा है और जो दिया से आए हैं बैगन के साग बोलो बैगन के साग बोलो वाला सब डर के मारे लगल कहे बैगन के साग बैगन के साग बैगन के साग हो बोलियो बैगन के साग तो लोग ऊपर को भारी को बम मिला तो लुई के तरकारी ले ले चल आलू के आलू के तरकारी लुई के तरकारी लुई के आलू के तरकारी आलू के तरकारी। अब ओकरा पर सापा फेर बाबा को मंडल लेके छूट गए साला सब डरे है कैसा गांव में आ गया है तरकारी बोलता है साग की नहीं बोलता है बोलो आलू के साग आलू के साग। अब लगा लगा पर आलू के साग आलू के साग तो मैं एक दूसरा कहवा कह रहा इसीलिए तो कहते नहीं मंत्र के हम लोग नहीं आते बेकार के बैठ गए हम लोग दूसरा बाबा है अभी हो चल गए तो हमारे को यादव तो यही लेके पछाड़िए रहा
अब उन्हें से वो कहे चलो बेटा दही दही बोले के दही दही आप दही से बाबा नारिये से दही दही सुना दे आप जब बाबा लगाए तो हमरो ज्यादा भूल उठाए अरे तो सब का सब के साथे को है ता तो हम कैसे कह अभी हो दही 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 कहे के लगा बाबा लगे ते का कहा बाबा कहा बतवा भैंसी के साग अब भैंसी के साग सुनते में अब दो साधुए समय पटका पटके हो कहा जगह आगे हम लोग भैंसी के साग खाते हैं हम माल जाल खाने वाला बाबा है अभी नहीं खाएंगे पाता होता पी दे लहेड़ू खागल बाड़ा का गांव भर के लोग पाता पिछले सो एक को पाता पर चार गोला तो इनको बढ़ के लड़का न खेला सांसे जोग के पाक को साधु ऐसा कहले कि कौन ऐसे चीज समझे के चाहे बुझे के चाहे अगर बेसी भंसिया हो जाए कि आटा गिर होवे करे नेका करे कम से कम हमरा वही देखी बचपन से लेके आज तक ने हम पढ़ाई लिखाई नहीं की कहले हम सेठ के दरवाजा में नौकरी गई के बाल बच्चा नहीं थे लेकिन एगो मुंशी जी या हम सिपाही जी सेठ जी के पूरा कारोबार चला रहल बानी आ सेठ जी हमरा लगे फोन कैलक करोड़ी मन सेठ जी कि सिपाही जल्दी घरे आवा लॉकडाउन में कावना कंपनी में कितना घाटा भेल कितना नफा भेल सब के रजिस्टर लेके पहुंचो मुंशी जी लगे हम फोन कर देले बानी आ सेठ जी से पहले जाके हम प्रणाम पाती करें काहे तो 15 दिन घरे आए ना भवन चला तनी सेठ जी इंतजार करो फिर भी करना सदर फोन कर दिया अभी कितने टाइम होता रे तोरा आवे रे हम तो घरे से चल देने के नू ना रुकली गए बेटे यही लगे पहुंचने तारा घर से आवे में कितना टाइम लगे ना आधाई घंटा आधाई घंटा अभी टाइम कितना होता अभी 5 बज रहा बा सवेरे 7 बजे के निकल रहा 7 बजे के निकल है कोई बजे आता नहीं सर जी हम में काय करा लेना था के तरफ पर नाराज हो गए मुंशी जी के चक्कर में हम रह गए नहीं हां मुंशी लोग कब फोन कर दिया मुंशी लगे रात से फोन करो था नहीं कि चीनी मिल के जो चीनी मिल बा धनकौल वाला हां हरियाणा वाला हां ओकर हिसाब लेके पुगेला कितना चीनी मिल के हिसाब कौन दी तोर बात दी मुंशी जी के बाप दी हमाना अरे तोहर बाप दे चाहे मुंशिया कले लेकिन तहनी के दोनों चाले के बाप होवे पर से खाता सर जी गलती हो गला मैं गरीब आदमी बाड़ी हमरो लगे 14-15 को बाल बच्चा बा 14-15 गो हां सब तोरे के से बारे हमरा परिवार के देश से 3 गो और कहां से आई बा टोला भर के बाल बच्चा के हम अपने संग अच्छा टोला भर के लड़का के माने अपने बाल बच्चा जैसे माना ला हां 14 गोड़ा के जिम्मा बा तोरे लगे जिम्मा ना बात हां देखो बस मुंशी जी यार क्या रे मुंशिया के बारे में हम तोरा से पूछा था आ तू हमरा से पूछता रे कहा बा मुंशी मुंशी जी लगे हम फोन लगाएले रहली कितना देर हम मोबाइल बैठ के लेकिन अभी तक मुंशी जी ना आई नहीं थे आई तो एक मतलब बुझाता कि कंपनी से मुंशी हटा के दोसर मुंशी ले आवे के पड़ी आगे बदल दे हम जल्दी लेके ले उंगरा ले के आओ अभी हम जाता नहीं देखे रास्ता में मुंशी जी आवत रहन कि ना चल लेके आओ परनाम ये अंदर ले कहाँ रह गई हो भाई हम तो घर से होते बनी काम तो बड़ा जल्दी में बड़ा चलो बाप जी बोलो भाई सेठ जी बोलो भाई सेठ जी बाप सेठ जी प्रणाम 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 मुंशी भाई सेठ जी काहे बोले जी बड़ा जल्दी में बोले ले बनी काम आ अरे दिल तो करे था कि जो जमीन पर खड़ा बड़े ना तोर पैर तल के जमीन खींच ली भी का कह दनी रे काहे हई इतना बिलम कह कहिए है बिलम अपनी ड्यूटी के ड्यूटी समझत रे कि ना कि ड्यूटी का होला इतना टाइम कहां लगे गए घर को बड़ी जरूरी लगे सेठ जी हम तो आते वाणी सिपाही तो रहने दी कब फोन कइला था काय बजे सिपाही हमरा लगे फोन हां एको बेर फोन नहीं के कइले सिपाही
रे मुंशी का कहत रे जब हम फूल करै कले त लेडीज उठबै का लेडीज उठा मोबाइल में खोले नहीं का ना ई नहीं के उठैले एकरा परिवार उठबै त लगा तोरा से त पूछनी है त का कहले हो कि राते से फोन करत आमी मुंशी ल मुंशी से बात भई हो सवेरे के निकल हो अभी कतर का लेडीज उठै खाली झूठ पर झूठ बोलता रे नंबर में गड़बड़ी नंबर में गड़बड़ी है कि कोरा में गड़बड़ी है रे भाई नंबर देले हो गलत बहुत देर बाद ई नंबर देले बोले तो सारे मजाक के बात छोड़ मुंशी जितना जल्द हो हमरा हिसाब के बारे में बताओ तो बात देखे कौना जिले मिल में कितना नफा भई कितना घाटा भई एक हिसाब हमरे के जल्दी बताओ पहले गोड़वे के चीनी मिल जो 4 साल से बंद बा वहां के किसान पाप पाप चीनी आई जा ऐ सिपाही वो चीनी मिल के मारे में तो मालूम बा कि ना बा अपने बलरूम छोड़ गए बा के बिजनेस ठप बा ओकरा बारे में काहे जानकारी ली थी ठीक बा ठीक बा किसान उखड़ गए पब्लिक किसान उखड़ जाए हरियाण के चीनी में लेने के कंपनी बताई हरियाण के चीनी मिल के हिसाब से भी बताओ हरियाण चीनी मिल में 1,10,00,373 रुपया फायदा भइल बा पार्टी पार्टी आज से तोहर तनखा बढ़ गई सात के दिन का मुर्गा कटकाई मीठ मछली के बात मत करिए तोहर तनखा बढ़ा देनी महीना के 1 रुपया तोरा तनखा पर 1,10,00,000 रुपया फायदा भइलु ओ में हमनी के महीना में 1 रुपया बढ़ा देना तोहर बाल बच्चा तो खा के मुसहर हो जाई मुसहर ना निसहर देख जी मरी ओ जन देखिए 3 दिन में एक बरसते रहे का बोले रे आपने का बहुत गरीब के माया कर ले आपने मेघ बरस बाय पर ई नानू फुकाए वाला ह यही एक बिगाए रहतो वो सिपाही हमरा बारे में कुछ बोले ह अच्छा फिर जे आई सुनी सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बताओ इस सीमेंट फैक्ट्री में हम की बात 1,50,255 रुपया घाटा लगा हेलो जी ये रेमन जी अरे तो रखा ना हाल ने कौन रे रे ससुरी के ना दी कि हमारे जो भी हिसाब तू नहीं है तो ना पाते घाटा का हिसाब मत तू नहीं है तो हम बिलेट पे जी नफा के हिसाब रहुआ के सुना है आ घाटा के हिसाब सिपाही के बाप के सुना है अब बोलो ये तेरे बाप तो सुना भी है वो सो गए लेकिन हमारा सुना ना हो लेकिन आपने तो जने गाड़ी के हमारा सेठ जी के हाथ के बेमानी का आइए बहुत करोड़ के घाटा नफा सुनाए कि साहब पेरा डूबे से पहले हरियर पेरा डूबे से पहले हरियर मास कटा दे घाटा के हिसाब के ग्रह सुनाए तोरा बाप अरे तोहरी बाप बाप है पहले के हमार जान जात है हम जल्दी हिस्सा बाप सेठ जी सेठ जी सेठ जी है सुनी बता हम सिगरेट फैक्ट्री में आपकी बात 2 करोड़ फायदा भई था कितना रे 2 करोड़ हाय देवी सेठ जी अब गांव घर के कर्जा में आ जाए तू बता गांव घर के कर्जा में आई बिनौली के जे मुसाफिर जी रहे हां मुसाफिर हां उले के रहे 5,000 रुपया तो ब्याज जोड़ के 8,390 रुपया भाई ने लगा चुकता कर देना भाई ने बाबू बनिया बाबू और बाल बच्चा हॉस्पिटल में धरना हो बात कर दे दो अरे पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बनी हां देतरिया कही सेठ जी हां ये बारा जिला के बनौली के सुरेश वा हां सुरेश मास्टर हां 10,000 रुपया सुरेश ना मतलब जवान हां हां अरे 10,000 रुपए ले गए रहे गेहूं के जाति के अपमान ना कह जाना राम कहले के बाद में तो ऐसे भी लोग जान गई लेकिन ओकरा खुद ही के कहत रे चौहा
10,000 रुपए लग रहे हैं, मूल ब्याज मिला के 12,515 रुपए भय रहे चुकता हुआ दे दे ले भगवान करे तो कर बाल बाचा थोपी हो सो लेके दिन भर आरी कोड़ी कौन आशीर्वाद देता नहीं रुको अरे वारी के छाती रोपनी के टाइम में साफ करके हाय देवी सेठ जी अब नीचे आ गई समस्या ये रामपुर के जो गरीब ना बा रामपुर के गरीबन किसान तीन मन धान अब 5,000 रुपया ले गए अभी तक नहीं के देख ले 6,000 रुपया हो गई 5,000 रुपया के 18,000 मूल ब्याज मिला के और तीन मन धान के 12 मन धान हो गए अभी तक नहीं के देख ले कतला भी हो गए पैसा के चार बरस वो पैसा ले जाके का कहियो सर जी हमरा पता बा वो गरीब किसान पैसा ले जाके बियाह करके भोज भात क के गांव के लोग के खियैलक शादी क के घरे ले आइल बियाह में खर्चा अरे गरीब ना हमरा यहां से पैसा ले जाके शादी कहियो खुशी मनाइलो आ चार बरस तक हमार पैसा के भूल गए पहले रहे कि शादी करते हम दे दे तब तोहनी के काम है हमार पैसा के लगाने लगाने के अब फिर तोहनिया दूर उठाने के काम है हमार पैसा सूली करे एक दूसरा द्वार पर से 4-5 बेर हमने के फिर आई बानी हम अमन सिंह रात में के रही पाता करे शाला के मारी कौन मदद भूल भी न करे तोहनी दोनों जरा के ऊपर दूर में जाता तोहनी के जूता भी सब गए लेकिन पैसा ना देना तो ससुरी के नाते तो ही के ड्यूटी करे के हम आप भी जो तू ओकरे हा आ ससुरो गरीब ना पैसा दी त दी न त कुत्ता के खाने ओकरा खसे दे ना आप कही गरीब ना ना भेटाय त ओकरा दूरा पर माल होई बकरी होई भैंस तो गाय हो सब खोल के ले जे हम उठा के ले जा माल जाल मुर्गा मुर्गी खसी बकरी कुत्ता बिलाई सब तोरे के हम कुत्ता कर नहीं लिया बकरी। जवान सामान मिली। अरे गाय भैंसी के बात करो तो नहीं खोसी के बात करो तो नहीं कुत्ता। आना ठीक बाबा। मानसी जी। हाँ। सेठ जी आपने के 5 मिनट के टाइम दी। गरीब ना के घर आके जाना। गरीब ना यहाँ से पैसा लेके आए तो दोहनी के है ना सुन। 5 महीना इनाम दे। 5 मिनट के नशे। कम से कम 20 मिनट के टाइम दी 5 मिनट में जाके ले चले गए तू मोटरसाइकिल से जाए ठीक ना तोहनी के चौकी से जाए के दिल जो लेकिन हमार पैसा ले के खाली हाथ है ये सिपाही बुझ ले ये ना खाली हाथ ऐसे ना करना मैं अब बिना पैसा ले लेना के वाले रे मनसी जी बोलो आपके के भीख मांगा समझता गरीब ना घर नहीं खे हमरे घर पीछे नहीं खे दोसर घरे देखा हमने भीख मांगा है तब के मानी सेठ जी के फालतू दू गो कुत्ता हमने कुत्ता बना तनवा का के बड़ा तो हम पते को है और सेठ जी के मुंशी पर सिपाही हां सेठ जी के चांचा सिपाही अब मुंशी जी अबे रख लो सुनत नहीं अब बोल दुआर पर तो मुंशी है सिपाही जी है बरन कर जा माने ए मेरे घर में कौन सिलेंडर होई उठा लेवे के बा चूल्ही होई अपने फोकले गरीबन
हाय आवा त नहीं कहले के हला करत नहीं ए न गरीब सके गरीब सके हेलो हेलो गरीब सके ये चले बाबा कर्जा खाली आ ब्याज मांगे आवा त के मारे बोल कर ए मेरा सुन भूखा मर के पहुंचे हम रे आ पा जाए लेकिन वो बात बाबा हेरा भूखा मर ना तो हम पहुंचे खातिर पहुंच जाए आ कोई उस तरह कोई चली शेर से ये पोको लगे चल आ दस रहा है वो कहां में तोरे रे मेरा कोई तो कोई ने जाने कोई चढ़ा दे तो ए हम कहा हमने नहीं है तो का हम मानता गोरी में के चलो ना हां सही बात बाबा बुझलाई बोका ले जाई तो तू कहिए सुन ले सही बोका के मारे वाला चढ़ावे वाला बात इतना के दूर लगे बाबा ठीक बात हां ना हो के सिपाही जी अपन के घर ले जाकर कान रखने फला ठीक बात है ए गरीबन घर नहीं खे हां घर के नहीं खे आ तू गरीबन के बोलै तारू हां कौन का हां उनकर बीवी बोलत नहीं ए गरीबन के दीदी मां खाना बतो ए राजा बंदर के दिन आ रहे गरीबन के दीदी मेहरारू 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 बीवी का वाई खाई वाई 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 हां अच्छा गरीबन के मेहरारू हां ओकर मौदी हां ओकर का नाम बोलत नहीं सुना ए बात कहीं पर सी बोल ले सिपाही बड़ा सेक्सी आवाज बोल पिटवाएगा तू तू पिटेगा हमरो पिटेगा केवारी खोल केवारी खोल केवारी खोल ठीक में खोलत नहीं आई आओ आओ मानसी जी केलना पैसा या तो भोरे में पापा ने केलना पैसा ले ले पापा भोर पर आ गए हम तो कार के पास चलो ना टाइम का दावा बंदूक लगा ना आप चढ़ा ले चलो भगवान मेरा ना तो मार सारा ना बाबा का पहले फूस के घर में लोहा के बाहर खाए ले ना बाबा का जो हाल है आई की चंदा को से उतार के ले आ पापा चला करी के कौन लगी देखो तो पहले पैसा था नसीब ने देखो नसीब हां बदला है गरीबन के मेहरारू बाबू अच्छा ये बताओ गरीबन कहां बाहिने आवा हेने गरीबन कहां बा उहा के देखे घरे गेल बा बाहर कमाए भैया के दो दिन हो गए दो दिन पहिए हां पहिए रहे हैं वही दिन करवाई है करवा के दिन आ गया हमरा की मालूम के दो दिन पहले ही निकल जाए चल गए बा अब हम का करी चल रहे हां तो चल गए कहीं भाई हां कैसे बोलो सुना तो बोली ना अच्छा ये बताओ ये सब दो घर में फूस के घर में गरीब के घर में तोरा कौन मतलब किया करेला तो हमर बाबू मां बिया कर देला गरीब तो कहां से खोज के ले आई धानी सही अपना एकरा पेट में भर ले तो तू कैसे खाएबे आए हमरा पेट भर खिया वाला है तोरा नीमन ईटा वाला मकान न काहे लगी साला ना घर में के मारी है ना खिड़की है ई मेघ बरस तो हादर हादर चूतौ कैसे रह के ले हमर बाबू मैं बिया कर दल वैसे तो कहां से ले आई हां अच्छा ये बताओ गरीबन का घर नहीं खे नहीं खे ब्याज हिसाब तो हिसाब हिसाब तो मालूम नहीं खे ना तीन मन धान का 18 मन हो गए अच्छा 5000 रुपए के 16000 रुपए सुन ललु 18 मन धान 16000 रुपए आ 16000 रुपए आप जो दिखा दी का ना का का दिखाई का नहीं तो हमने के दो हमने जाए हमार मारा नहीं कमा के नो ता वो अपने के कर्जा सधा दी हां हां ले आके सेलर में कुटवा के दोनों पे की चौहल आई ले कर देवे के बात का तो हम कहां से दी हां एकरा घर में कौन सामान होय सब उठा के ले चल घर के तलाशी ले
गरीबन सही में घरे ना नहीं थे ओ मानसी जी आपने बाहर जाओ तो का है कोनो राज विचार करे का हम रहन ले का अपना ही लगन ना हमें जेबे ना रह सके अपने रह तो ये ब्याज देबे ना ए आ तू ब्याज ले ले हां चल ठीक है सुन ले ठीक बने ले इतना मोट कार का देवे सक बड़ हमर मारा दाई कमा के दे दी कल जा आ यही ले लिया छोड़ो आ जाने को ना कैसे तू खाली हो तो हां कैसे छोड़वाए ये को रुपया पंसी जी के शेर दी के नहीं के देवे के आ धान दे दे के बा कैसे छोड़वाए खाली तू अपन नंबर दे दे रन्ना पिया मुखाओ से घर का नाम बोले रे छिपा मु बोले लोटा मु बोले रे आ भाई का भाई का भाई का भाई प्याज के प्याज का भाई 10 रुपए के प्याज मुड़ छोड़ ये गाड़ी कहे देता का भाई ए प्याज बना का भाई ने गरीब के मेरा है ई नाम पिया मुखाओ से कहा का तो अपन नंबर दे रात के फिर कल तक ले जाए कर्जन मांगे आइल बारे के ऊपर नंबर लेवे आइल अपने के घर में नंबर गरीब ने के नंबर मांग का तो वो करे नंबर में गई थी एक नंबर मांग ली कर्जो ने मिनिस्टर ने हरमान मान के जई हम 1 रुपया पे आका 1 रुपया ना ब्याज ना छोड़ो को नंबर का है मांगो घर के तलाशी ले चार साल फिर बाप ब्याज का ब्याज घर के तलाशी ले गरीब ने घर में नहीं थे नहीं थे हम तो बजे घर में घर में घर में नहीं थे कच्चे के रखा वो घर अरे वो तो विश्वास नहीं किया हमने था हाँ मैं दूँगा रूम बा एक रूम में सूटी ले एक रूम में खाना बनाए ले मंचिती हाँ आपने खाना बनाया वाला रूम में देखूं हाँ हाँ मैं कर सूटे वाला रूम में देखेंगे होशियार वाले हम बुर्बक बने साले हम जाए खाना बनाए वाला रूम में तेरे जगह सूटे वाला रूम आप क्या जाते सूटे वाला रूम में तू जो खाना बनाए वाला रूम जल्दी जाओ जल्दी चल चल बताओ ठीक हो जो गरीब में भारी में हो सारा मामले का हाल हम जाने करे गरीब के चाल हम जाने ले किने किने घूमा हुआ तक बाइक चोरी देखो ए पक्षी जी का भाई ना कह बोल गई बोले भाई घर में तेरा ढूंढू तो का ढूंढू लो घर में कहो नहीं से ना कौन तो आप ढूंढू लो जल्दी ठीक हूँ सिपाही साफ ना था इस बोगाई ने मोहम्मद अली अरे अब का भाई तेरा घर में पैसा थे बोगाई ने बोगाई के कहे मोहम्मद एक बोका रख लेने का बोका नहीं ना मोकी घर में बोका रख लेने का बड़ी बिल्कुल भरी नहीं तोरो घर में तू को बोका रख लिया है तू ले जाकर रख दे तुम घर तब गरीब ना घर में हाइले जाओ तो तुम घर में बोका रख हाँ सही हमारा मानता बोका है नहीं रखे तो इसे घर में बांध के रखेंगे मानता बोका मानता कामना देवता के गरीब नहीं थे अच्छा मारा जी जा हाँ बोका ना खाओ भूखा तो बारा बोनिया बड़ा लामा पा सिपाही हाँ भूखा तो बहुत टॉर्च वाले हैं गरीब के लिए कैसा क्या भाई ये भूखा में अगर साथ खा ला भाई का कौन सी साथ का एक लामरी के ले हाँ हाय अच्छा अच्छा लाये मच्छी जी लंगड़ी लेके पता ना लंगड़ी देखो ना देखो को सुनने है ने ऐसे पानी इस साल का पानी सीमो नहीं थी सीमो ना हम इकाहा के बोका बाना लो हाई नसी चार के कितने घूर का बच्चे के लो तो बोका के टक्कर ये चार भाई हाँ तेरे घूर में बैठा रहा है सब लावड़ी जोर के लो अच्छा बुला लेते अच्छा ये बता सब लोग फांसी को अपनी बोका बाहर डाला लो तू बिछाना पर पहले बारे आ घर में तो और मरण भइले ना हम आ कहीं रात दे रात तू सूत रहले आ खुल गेलो तो हाय सही हमर मानता तो का ओइसे बांध के रख ले घर में तो मानता बोका त आउरो हुर क ल जा एके बेर में ना मालानवा के टावर को का देता
सुनले हां बोका के बोलत त आओ बता ना अच्छे छे 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 से बोली मिस कॉल मार दे इसको मिस कॉल मिस कॉल में बात सबसे बढ़िया हो सेठ जी के घर जाकर के होगा कर में घर पार्टी में तो सब में चल रहा है कर्जा मधे 18,000 रुपया 16,000 रुपया 18 मन धान वही में बोका हमने के दे दे अरे ये बोका का ना दे हमने ये हम बंदा बोका हम बोका का ना दे हां चल भर दिया जो पूरा पैसा था तो का ये बोका दे दे तो कर्जा सा जाई सारे दे ठीक पक्का का दे कागज दे दी कागज दे दी अब ले जा रही बोका अब रास्ते में से भागी हुई तो तेरे जिम्मेवारी हम नहीं किए भागी कैसे काहे भाग जाई या भाग के जाई कहा एक और काम करी ये हेर ले चली आ ये में रात भर आप रही के घरे रखो बढ़िया भाई सेठ जी के पैर टूटे रहे तो मैं गरीब आई के तो बोका मल ले रहे भाई घर हेलो हेलो जी हेलो हेलो सांग कम करी ना आवाज कम करी ना हेलो ते का आवाज कम करी हेलो आ आई को कहा हेलो 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 जी आपने पसारी रहे आ मगारी तो ठीक बा आई के चला आ आ चल आओ आओ मनसी जी बोका अपना ही आ रही